सो हेलो व्यूअर्स, आज हम आ गए हैं जी एडवांस एग्जाम सेंटर के बाहर और अभी पेपर टू ख़त्म होने वाला है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चों को लेने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो जानेंगे थोड़ी देर बाद कि कैसा पेपर रहा और किस तरीके के रिएक्शंस हैं। मिक्स रिएक्शंस हैं, ईजी था पेपर, हार्ड था, किस तरीके के टॉपिक्स डिफिकल्ट थे या ईजी थे, लास्ट ईयर से कैसा एग्जाम डिफिकल्ट था या ईजी था, वो सारी जानकारी भी आपको हम लोग कवर करके थोड़ी देर में देंगे। क्या नाम है आपका? कुमकुम शर्मा। कहाँ से कुमकुम? एमपी से। एमपी से। पेपर वन कैसा गया था? पेपर वन नॉर्मल था, ज्यादा अच्छा भी नहीं था बुरा। तो जब पेपर वन अच्छा नहीं जाता है तो पेपर टू के लिए थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि टाइम भी कम होता है और दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो कैसे आपने प्रिपेयर किया अपने आपको पेपर टू के लिए? पेपर टू के लिए मैंने सबसे पहले बात की तो पढ़ा नहीं है, जस्ट रिलैक्स करा, खाना खाया और बस चल गई मैं। और खाना खाया, थोड़ा बहुत एक नैप लिया हल्का सा 5 मिनट का, फिर वापस आई, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं। और ये जो एक्टिविटी आपने किया, इसके बाद आपको क्या लगता है पेपर टू में ईजनेस आई है आपको, आराम रहा? हाँ, हल्का रहा और मैंने कुछ क्वेश्चन ज्यादा भी अटेंड करे और थोड़ा कंफर्टेबल भी फील हुआ एग्जाम में। ओके, सो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड था? फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली हम लोग साथ देखे होंगे, तो अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर के पेपर को इस साल के पेपर से, कौन सा ज्यादा टफ था? जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे तो उतना टफ नहीं था, इजी था, लेकिन 2021 से और 20 से थोड़ा हार्ड। तो अभी अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अगर आपसे पूछूं टफनेस, पेपर 1 एंड पेपर 2 क्यूमुलेटिव, आपको क्या लगा कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा? वो सब पे डिपेंड करता है, जैसे मेरे को फिजिक्स थोड़ा सा टफ लगता है तो वही मेरे को लगा, केमिस्ट्री नॉर्मल था, मॉडरेट टू टफ की तरह, और फिजिक्स मेरे को टफ लगा और मैथमेटिक्स बीच में था। ओके, दोनों के बीच में। सो कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो कुमकुम? 100। सो ऑल द बेस्ट कुमकुम, रेजोनेंस की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक एग्जाम के बाद, एंड हम विश करते हैं आपको अच्छा कॉलेज मिले और अच्छा आप स्कोर करें। बेटा कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? तन्वी पांडे। तन्वी, कैसा गया आपका एग्जाम? फर्स्ट वाला इजी था रिलेटिव टू सेकंड वाला, सेकंड में लेकिन मुझे लगता है फर्स्ट से ज़्यादा ठीक हुआ, क्योंकि थोड़ा सा फर्स्ट वाले में पैनिक कर गई थी मैं, और मतलब एवरेज क्वेश्चन दोनों में ठीक कर लिया मैंने, एंड होप सो रिजल्ट अच्छा। सो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तन्वी? हाँ। तो मे बी शायद वो भी हो सकता है वो रीजन फर्स्ट वाले में आप शायद पैनिक कर गए, वो एनवायरनमेंट आपने पहली बार फेस किया। हां, वही सब्जेक्ट आपको टफ लगा? फर्स्ट वाले में मतलब टफ तो नहीं था, केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगी थी, टफ वैसे नहीं था। सेकेंड वाले में मैथ्स ठीक थी, केमिस्ट्री भी ठीक थी, और फिजिक्स थोड़ी सी लगी, फिजिक्स आपको अच्छी लगी? मैथ्स सेकंड इजी, मैथ्स इजी थी, राइट। सो कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक को आप रेट करना चाहोगे टफनेस लेवल पे, राइट? अगर मैं पूछूं पीसीएम में से दोनों पेपर को मिला? हां बिल्कुल, आप क्यूमुलेटिव बताइए। फर्स्ट मैथ्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड फिजिक्स, राइट। और आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे? फर्स्ट में 25 क्वेश्चन किए थे, सेकंड में थोड़ा कम गया, 23। फिर भी आपने बैलेंस बना कर? हाँ ठीक है, मतलब लाना भी नहीं होता है ज्यादा। एग्जैक्टली। सो तन्वी, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अब एग्जाम हो गया, क्या लग रहा है आपको अब, हाउ यू सी इट जाना चाहिए? बट ऐसा है कि अगर अच्छी नहीं आए तो आई एम रेडी फॉर द ड्रॉप, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं जिस चीज के लिए कैपेबल हूँ बिल्कुल देना चाहिए। ऑफ कोर्स, यस। कैसे हैं मैम? आई एम फाइन एंड आई एम परफेक्टली हैप्पी बाय सीइंग ऑल द स्माइलिंग फेसेस हियर, एंड आई एम ग्रेटफुल टू सी हियर द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रियली। If we compare our India, Kota is the best city and it's the best education hub for all the kids, and naturally the parents are also doing hard work and children are also doing hard work, and I know how hard work is a key to success, and all the children, they will get the success under the proper guidance of all the coaching institutes, like I am talking now with the resonance. I am grateful for all the teachers, all the staffs of the Kota. थैंक यू। क्या नाम है आपका? विशाल प्रजापत। कहाँ से विशाल? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से। कैसा था पेपर अभी आ जाता था? जी एडवांस पेपर टू आप देखे निकले, कैसा था पेपर? पेपर टिपिकल था। पेपर टिपिकल था। पेपर वन के कंपैरेटिव में बोल रहे हैं या टीवाईपी के कंपैरेटिव में बोल रहे हैं? वन के कंपैरेटिव में। तो सुबह से आपको अभी में कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट लगा? सुबह से अभी तक मैथ ज्यादा मैथ्स डिफिकल्ट था। पेपर वन में ईजी था आपके हिसाब से और पेपर टू में डिफिकल्ट था? कौन सा टॉपिक था मैथ्स में जो आपको परेशान किया? सर थ्योरी थी वो बहुत आपको परेशान किया। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टफ रेट करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ था? मैथ सबसे ज़्यादा टफ थी। रेजोनेंस में आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, रेजोनेंस के जो स्टडी मटेरियल, उससे आपको कितनी मदद मिली है?
उनसे बहुत मदद मिलती है वहाँ पे उनको बोल रहा है यहाँ का पता चल जाता है कैसे। सो अगर मैं कंपेयर करने बोलूँ आपको रेजोनेंस के मॉक टेस्ट को जेईई एडवांस के क्वेश्चन पेपर से तो कैसे कंपेयर करेंगे? रेजोनेंस का ज़्यादा बेटर है, उसके अंदर ज़्यादा करना पड़ता है, यानी वेराइटी ज़्यादा होती है ऐसा आप कहना चाह रहे हैं, और यहाँ का पेपर आपको कंपेरेटिवली उतना टफ नहीं लगा। तो रेजोनेंस परिवार की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, हम उम्मीद करते हैं आपके स्कोर अच्छे रहे और आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। थैंक यू। अभी तो जिस तरह से हम बात करें, दानिश सर ने सभी स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया, पेरेंट्स का फीडबैक लिया, आप देख रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में बच्चों से मिले, तो सर क्या ओवरऑल फीडबैक रहा बच्चों का, क्या कहना चाहेंगे? सो देखो फीडबैक की जहाँ तक हम लोग बात करें, दिस इज ऑल परसेप्शन, क्योंकि जितने भी स्कूल हमने पूछा कि उनको क्या टफ लगा क्या ईजी लगा, उन्होंने अपनी तरीके से उसको आंसर करने की कोशिश करी। जिसका फिजिक्स था, जिसको फिजिक्स डिफिकल्ट लगती थी उसने बोला फिजिक्स डिफिकल्ट है, बट ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस करूँ तो यूजुअली स्टूडेंट्स ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, उनका पेपर अच्छा गया है और उम्मीद करते हैं कि सर एक और जैसे कि बहुत से बच्चे आज से कह रहे थे, जब हम कैमरे की बात की, कैमरे के पीछे की भी बात करें, तो हमारे मॉक टेस्ट हैं जो हमारी क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, बहुत सपोर्ट करा उनको, लगभग उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं या उनको ऐसा सेम फील हुआ कि वो रेजोनेंस का ही एग्जाम दे रहे हैं, तो इस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि रेजोनेंस का सपोर्ट किस तरह से बच्चों को इस तरह? कमल सर मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा सीरियसली, कि जब बच्चों ने बोला कि जितने भी स्टूडेंट जो रेजोनेट से जिनसे मैंने पूछा कि जब मॉक टेस्ट उन्होंने दिए थे रेजोनेंस के अंदर, तो उसके कंपैरेटिव में जे एडवांस में उन्होंने इसको कंपैरेटिवली इजी बताया, तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनका प्रिपरेशन किस लेवल पर हो रहा है रेजोनेंस के अंदर, जहाँ पे वो जब एग्जाम सेंटर में एक्चुअल डे पे आकर के अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इतना बर्डन एग्जाम के पैटर्न या एग्जाम की क्वेश्चन को देख के नहीं ले रहे, क्योंकि इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन या ऑलरेडी अपने इंस्टीट्यूट में रेजोनेंस में देख चुके हैं, तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शायद हम लोग मिलकर कह सकते हैं कि रेजोनेंस जैसा कोई नहीं। थैंक यू।